ये मजा आएगा ना भिड़ो। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। सब गाइस अस्सलाम वालेकुम, आई एम मोहम्मद रजान एंड यू आर वाचिंग ए टू जेड किंग। भाईजान अच्छे काम तो हर कोई करता है, लेकिन कुछ कुछ काम ऐसे होते हैं जो दुनिया भर में याद रखे जाते हैं। तो मेरा एक दोस्त जो सोशल वर्कर है, तैमूर भाई, ज्वाइनिंग हैंड्स हेल्प टीम JHHT, मैं इनकी वीडियो बना चुका हूँ, आपने देखी थी। तो यार वो जो टूर्नामेंट करवाने वाले थे उसके क्लिप्स मैंने मंगवाए, आपका भाई एडिट करके आपके सामने रखेगा। उस दिन मैं कवर नहीं कर सका क्योंकि मैं जॉब पे था, काम के सिलसिले में गया था, तो यार मैंने वो कवर नहीं किया। अब मेरे पास वीडियो आई है तो भाई आपको भाई एडिट करके दिखाएगा। तो यार वो जो टूर्नामेंट था, इन्होंने बच्चों का करवाया, स्कूल के बच्चों का टूर्नामेंट था, जो टीम जीती है वो भी आपको दिखाएंगे, और जैसा टूर्नामेंट वो रहा, डेली रूटीन उनकी क्या रही, वो भी आपको दिखाएंगे। आपको भाई उस वक्त मौजूद नहीं था, तो जो क्लिप्स मेरे पास आई हैं भाई वो एडिट करके मैं आपको दिखाऊंगा। तो तैमूर भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हो यार, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। जो स्कूल के बच्चे थे उनका टूर्नामेंट कराया भाई ने, तो यार अल्लाह पाक इनको कामयाब करे, आगे आने वाले टाइम में और ज़्यादा इनको कामयाबी दे। तो यार देखते हैं भाई क्या है इस वीडियो में, तो आगे बढ़ते चलो और बने रहना भाई के साथ, आपका काम एक ही है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, सही है। तो फिर देखते हैं क्या है। यहाँ पे कुछ ऐसे ही मैदान में, और इस तमाम के पीछे तैमूर साहब का बड़ा हाथ है, इन्होंने बड़ी मेहनत की है इसमें, और वो काबिशों का जो तसलसल था इंशाल्लाह आगे भी चलता रहेगा। और मैं ये बात कहता हूँ कि जो क्रेड है वो सर तैमूर को जाता है कि बॉलिंग की बड़ी काबिशों से बच्चे आज यहाँ मौजूद हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात है। एक तरफ हमारी लाल फातिमा अकेडमी और एक तरफ हमारी लेकिन ग्रामर स्कूल, ये हमारा जो सेक्शन है अब हमने स्टार्ट करा है। हर हफ्ते हम दो से चार स्कूल्स को बुलाया करेंगे और जो है ना हम यहाँ पे क्रिकेट कराएंगे और इनको फिर आगे लेके जाएंगे इंशाल्लाह। अभी हमारी सीरीज थी 3 मैचों की, जिसमें जब पहले अल फातिमा जी थी, दूसरी लिटिल एंजल थी, उसके बाद हमारा फाइनल हुआ 2 ओवर का, उसमें विनर किया लिटिल एंजल। तो पहले हम बुलाना चाहेंगे अल फातिमा के कप्तान को और इदरीस भाई, उनको देंगे रनर अप की ट्रॉफी, इदरीस भाई और अल फातिमा कप्तान। इंशाल्लाह जो है अब जो है आगे हमारा एक टूर्नामेंट आने वाला है, ठीक है, वो है राशिद लतीफ क्रिकेट अकेडमी में, इंशाल्लाह हमारा सीजन 9 होगा, तो उसके लिए हम तैयारी भी करवा रहे हैं इन बच्चों को। और अब हम टाइम जाया करे बगैर हम बुलाना चाहते हैं लिटिल एंजल ग्रामर हाई स्कूल के कप्तान को इलियास, और आपकी भरपूर तालियों। पूरे सीरीज का टूर्नामेंट था वो मिला है माशाल्लाह लिटिल एंजल के इलियास को, आप सब एग्री हैं कि इलियास को मिलना चाहिए? अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ तैमूर खान, ये सीज़न 8 है और हम ये बच्चों के स्पोर्ट इस वजह से लेके आए कि स्कूलों में जो है ना आजकल जो है ना टूर्नामेंट और क्रिकेट स्पोर्ट्स ये सब कुछ ख़त्म हो चुका है। हमारी लाइफ में बहुत अच्छा क्रिकेट चलता था और हम लोग के पैरों में, अभी आप देख सकते हैं कि हमारे दोस्त वगैरह सब सुबह फजर से यहाँ हैं और कोई ऐसा नहीं है कि पाँव में दर्द या पैरों, आजकल के बच्चे जो है ना वो उनसे कमर में दर्द और इधर दर्द इधर, ये स्पोर्ट्स ना होने की वजह से। तो स्कूल्स के प्रिंसिपल से मेरी ये मुतालबा है, ये रिक्वेस्ट है कि वो जो है ना हफ्ते में एक दिन बच्चों का स्पोर्ट्स करवाएं लाजमी, और हम जो हमारी टीम वर्क कर रही है वो स्पोर्ट्स के अलावा स्टेडियम पे भी वर्क कर रही है, तो और स्कूल्स के प्रिंसिपल हमारी टीम से मिल सकते हैं। और इस स्पोर्ट्स कराने का मकसद ये है कि बच्चों के अंदर जो अभी मोबाइल आ चुका है, सिर्फ मोबाइल पे क्रिकेट टिकटॉक इन सब में बच्चे लग चुके हैं, तो हमारे सिर्फ टीम का मौके भी है कि
अच्छे स्पोर्ट्स में आए, ग्राउंड भरे दोबारा, और हमारे एरिया से पहले भी अच्छे क्रिकेट हमने पाकिस्तान को दिए, क्रिकेटर दिए, और अब भी हम देना चाहते हैं, और हमें दुआओं में याद रखें। तैमूर भाई ने और रिजवीज भाई ने ये टूर्नामेंट का इनका किया है, है? जिसकी मैं बहुत पजीराई करता हूँ दिल से। इतना अच्छा टूर्नामेंट इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है और यंग ब्लड को खेलने का मौका दिया है ताकि वो स्पोर्ट की तरफ आए और ज्यादा से ज्यादा जो है अपनी एक्टिविटीज को इस तरह बढ़ाएं कि स्पोर्ट के साथ साथ तालीम में भी उनका फोकस रहे। कायदे आज़म, अल्लामा इकबाल, ये सब जिंदा है हमारे दिलों में, हमारी किताबों में। इन्होंने हमारे पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया, तो हमें भी चाहिए कि हम कुछ अपने इलाके, अपने पाकिस्तान मुल्क के लिए कुछ ऐसा करके जाएं कि लोग हमें अपने दिलों में, अपनी दुआओं में, अपनी किताबों में याद रखें। और जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर तैमूर भाई, इनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? मजा आ रहा है क्योंकि टूर्नामेंट हो रहा है, काफी बड़ा टूर्नामेंट है, मजा भी आ रहा है, स्कूल को स्पॉन्सर कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, मजा आ रहा है खेलने में। सर निहाल के लिए दो वर्ड कहेंगे आप? सर निहाल के लिए खेले और किसके लिए? पहले बहुत बहुत मुबारक हो।